हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 127वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ TDS। TDS मतलब थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ TDS। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ TDS क्या बताता है बेटा? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ TDS states that, first law of TDS state that energy neither be produced, energy neither be produced nor be destroyed it may be converted from one form to another form। देख लीजिए, हिंदी में ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यह बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ TDS स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट इज द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। या हम द एनर्जी का जगह हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का मान स्थिर रहता है या नियत रहता है, मतलब ना तो ऊर्जा घटती है ना ही बढ़ती है। ठीक है, ये बोल दिया। लेकिन अब देखते हैं, नोट कर लो बेटा, समझ आया? आया होगा समझ? लेकिन बेटा अब देख लीजिए, बट अब ये जो कह रहे हैं इसका अपोज हो रहा है, बट इन 1905 आइंस्टीन ने, लेकिन बात पता चली 1905 में आइंस्टीन ने
आइंस्टीन टेल्स अबाउट दी टेल्स अबाउट दी किसके बारे में बताया बेटा? टेल्स अबाउट दैट द डिस्ट्रक्शन destruction of mass produces energy. लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने यह बात बता दी कि बेटा द्रव्यमान के 6 से डिस्ट्रक्शन मतलब होता है 6, द्रव्यमान के 6 से ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इन्होंने दिया था E बराबर, इन्होंने ये इक्वेशन दी थी MC² ये यही बात बताती है, ठीक, E बराबर MC². अब दस अब हम क्या कह सकते हैं बेटा, अब हम कह सकते हैं दस दस दी फर्स्ट दस दी फर्स्ट लॉ ऑफ TDS is a law of mass, is a law of conservation of mass. The first law of TDS is a law of conservation of mass. अर्थात थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है. तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ टीडीएस ऊष्मा गतिकी का बात बच्चों पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ टीडीएस टेल्स टेल्स द टोटल मास एंड एनर्जी अर्थात ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बता रहा है अब देखेंगे. तो फर्स्ट लॉ ऑफ TDS टेल्स द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ TDS टेल्स द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अब इससे हमने ये पता लगाया कि किसी भी सिस्टम में ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है उस तो इस नियम के अनुसार उसका टोटल मास और टोटल एनर्जी क्या होती है सदैव कॉन्स्टेंट स्थिर रहती है. ठीक स्थिर रहती है अर्थात Q = (Δu) + (Δw) फर्स्ट लॉ ऑफ TDS ये है आपकी हीट एनर्जी ये आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज ठीक
चेंज भी लगा दीजिए यहाँ, क्योंकि डेल्टा यही रिप्रेजेंट करता है। डन मतलब वर्क डन, वर्क डन। ठीक, नोट करो जरा, हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं हीट एनर्जी, अर्थात यहां से लिखें, अर्थात हम कह सकते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी मतलब आपकी हीट एनर्जी क्या है, डेल्टा क्यू। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड इनटू, इनटू द सम ऑफ, सम मतलब योग, इनटू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक, वर्क डन ऑन सिस्टम अर्थात सिस्टम पर किया गया कार्य। लेकिन हम जानते हैं बेटा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल का मतलब क्या है बेटा, बल का मतलब है प्रेशर इनटू एरिया। बल कहते हैं हम प्रेशर, थोड़ा इधर लिख दूं, वर्क मतलब फोर्स मतलब इसकी जगह लिख लिया प्रेशर इनटू एरिया, ये हो गया फोर्स की जगह। अब इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो डब्ल्यू बराबर ये होता है। अब प्रेशर का मतलब पी, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा वी, क्या होता है डेल्टा वी। तो आपका W बराबर हो गया, W इक्वल टू आ गया P इंटू डेल्टा V। अब ये वैल्यू हमें W के स्थान पर रख दो तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा Q इक्वल टू डेल U प्लस प्लस P इंटू डेल्टा V। ठीक, हो गया। और ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ TDS। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।